नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में फिर मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी भाषा पे प्रश्न उत्तर, जो कि जो है आपकी आने वाली जो भी परीक्षा है, चाहे UPPCLARO की हो, चाहे UPSS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 
की है। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट जो आपसे मैं करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तुरंत वो आपके पास पहुँच जाए। और दोस्तों थोड़ा सा अपना प्यार दिखाया करिए, लाइक जरूर कर दिया करिए। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर के आता हूँ। देखिए दोस्तों ये एक क्वेश्चन जो था पुराना वाला, ये क्या था, उस जो इसके पहले की मॉक टेस्ट आई थी उसमें मैंने संस्कृत उपसर्गों की संख्या जो आपको बताई थी वो मैंने आपको आंसर में 19 बता दिया था, जो कि दोस्तों मुझसे गलती हो गई थी, वो गलत है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ये 22 होगी। और मैंने इसको जो है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें मैंने इसको बताया था, तो सॉरी इसके लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों आप आज की क्विज शुरू कर देते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि बड़ों की बातों को आदर से सुनना चाहिए। अब आपके सामने ये जो है तीन पार्ट है यहाँ पर, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अगर इन तीनों में गलती नहीं है तो आंसर आपका होगा कोई त्रुटि नहीं है। चलिए दोस्तों आंसर आप कर लीजिए अपना। चलिए दोस्तों आंसर आपके सामने शो कर देते हैं कि भाग दो में इसमें गलती है। आदर से जो ये लिखा हुआ है क्या होना चाहिए कि बड़ों की बातों को आप लोग को ध्यान से सुनना चाहिए, आदर से सुनने का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं निकलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह मनोरम दृश्य देख के मैं दंग रह गया, किस भाग में त्रुटि है, उसी प्रकार से आपको बताना है जैसे अभी आपने पहले वाला बताया। चलिए दोस्तों आंसर दिखा देते हैं, आंसर अभी आपका इसके दूसरे पार्ट में त्रुटि है। देखिए दोस्तों क्या है, यह मनोरम दृश्य देखकर होना चाहिए, देख के नहीं होना चाहिए, देखकर मैं दंग रह गया। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्न में से क्या सार लेखन का आवश्यक अंग नहीं है। चलिए दोस्तों आंसर देखिए, तो जो आपका ये शब्द है ये जो है सार लेखन का आवश्यक अंग नहीं है, इसके अलावा जितने हैं अर्थ, भाषा या आकार, ये सभी आपके सार लेखन के आवश्यक अंग है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस को मैंने एआरओ लेवल से और UP SSC की जो हायर लेवल की परीक्षाएं हैं उसके जो है अकॉर्डिंग लिया हुआ है, तो आप लोग बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आप इसमें से कितना सही कर पाए। जैसे कि होता है दोस्तों कि सभी जो आपकी पेपर होते हैं उसमें कुछ अच्छे यानी कुछ सरल क्वेश्चंस भी लिए जाते हैं और कुछ हार्ड भी लिए जाते हैं, उसी प्रकार मैंने इसमें भी किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसे कठिनाई से भेदा जा सके, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। आंसर बता देते हैं दोस्तों, तो दुर्भेद्य मेरे ख्याल से लगभग सभी का सही होगा, ये आपका क्या है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसे कठिनाई से भेजा जा सके उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जिसके पास कुछ ना हो, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। तो दोस्तों आंसर देखिए यहाँ पे, तो आपका जो अकिंचन है ये आपका क्या होगा, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको हम लोग अकिंचन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शैतान की आत नामक मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं, तो जो लंबी बात होती है वो क्या होता है, शैतान की आत नामक मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों कि निम्न में से क्या वीर रस का भेद नहीं है। चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए यहाँ पर, आपका कर्म वीर क्या है, इसका जो है भेद नहीं है, इसके अलावा दान वीर, युद्ध वीर, दया वीर, ये सभी आपका क्या है वीर रस का भेद है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वियोग श्रृंगार की कितनी दशाएं मानी गई हैं, ये आपको बताना है, ये वियोग श्रृंगार रस की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए दोस्तों आंसर दिखा देते हैं आपको, तो यहाँ पर इसकी 10 दशाएं होती हैं। दोस्तों इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं पता है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, केवल जो पता था वो मैंने यहाँ पर आपके सामने ला दिया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपका छप्पा होता है ये किन दो के योग से मिलकर के बना होता है। चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए क्या होता है, आपका आंसर है रोला और उल्लाला से मिलकर के आपका ये छप्पे बना होता है। देखिए दोस्तों इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने इसके बारे में शायद आप लोगों को बताया था, वैसे अगर नहीं बताया तो फिर से सुन लीजिए कि ये जो आपका मात्रिक, विषम और संयुक्त छंद भी इसको कहा जाता है, इसमें जो है टोटल मिला के आपके 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं आपके, 6 चरण होते हैं। जो आपके पहले के जो 4 चरण होते हैं यानी 4 और 2 होता है, यानी पहले के जो 4 चरण होते हैं वो आपके किसके होते हैं, रोला के होते हैं। आगे के जो 4 चरण है वो आपके रोला के होते हैं और लास्ट के जो 2 होते हैं वो किसके होते हैं, आपके उल्लाला के होते हैं। तो इस प्रकार से मिला करके छप्पे बना होता है। और अगर आपसे कुंडलियों की बात की जाए, कुंडलियां जो होती हैं उसमें भी कुछ इसी प्रकार से होता है, उसमें भी आपकी जो है 6 चरण होती हैं और 24 मात्राएं होती हैं कुंडलियां में, और उसमें जो आपका प्रारंभ में क्या होता है, 1 दोहा होता है और उसके बाद में रोला होता है। प्रारंभ में उसमें क्या होता है, उसमें आपका प्रारंभ में होता है दोहा, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपका होता है रोला।
तो ये आपका कुंडलियों के लिए हो गया, और अगर आपका रोला प्लस उंडाला बात की जाए तो ये आपका छप्पे मिलके बनता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि टा वर्ग के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो टा किस में बदल जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है, ये आपका संधि विच्छेद में से क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। चलिए दोस्तों आंसर आपको बता देते हैं, इसका आंसर क्या होगा, आंसर आपका अड़ा हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये नियम क्या कहता है कि यदि किसी वर्ग के जो आपके प्रथम वर्ण होते हैं जैसे क च य ट त य प, यानी प्रत्येक वर्ग का हम बात करें, क च ट त य प के बाद अगर कोई अनुनासिक वर्ण आता है तो वो किस में बदल जाता है। अगर प्रथम वर्ण की बात की जाए, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे आपका आया क च ट त य प, इस सबके नीचे ऐसे आपका हलन लगा हुआ, यानी सब आधा है। ठीक है दोस्तों, ये अगर आपका ऐसे आ रहा है तो ये अपने ही जो जो प्रथम वर्ण होता है वो अपने ही वर्ग के अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण आप जान रहे होंगे, उसमें बदल जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि का अगर रहेगा तो वो किस में बदल जाएगा, वो आपका इसमें बदल जाएगा ड में। इसके बाद अगर चा का आएगा तो आपका किस में बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपका या में। अगर टा की बात की जाए तो अभी बताया हम दोस्तों ये किस में बदल जाएगा, अड़ा में बदल जाएगा। और अगर जो है टा की बात की जाए तो टा किस में बदल जाएगा, अनुनासिक ना में बदल जाएगा। और अगर पा की बात की जाए तो ये किस में बदल जाएगा, आपका मा में बदल जाएगा। तो ये आपको पता है कि अनुनासिक होते हैं, तो इसको भी याद करके रखिएगा, इस टाइप से भी क्वेश्चन अब आपसे पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोगति का संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें से बताना है। चलिए दोस्तों आंसर बता देते हैं, तो अध प्लस गति आपका जो है ये अधोगति का संधि विच्छेद हो जाएगा, ये आपकी विसर्ग संधि है, आपको पता ही चल गया होगा विसर्ग देख करके। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या पक्ष शब्द का अनेकार्थ नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या है, तीर, तीर इसका अनेकार्थ नहीं होगा, बाकी पार्श्व पंख और ये सभी आपके पक्ष के अनेकार्थ होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से लिए गए हैं इसमें, ताकि वो आपको एक लेवल के लगे कि हाँ ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि घबराहट में कौन सी लिंग होगी, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं आपका, आंसर क्या होगा, यहाँ पर स्त्रीलिंग होगी, घबराहट में स्त्रीलिंग होगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे चीज होती हैं जिसमें हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा लिंग होगा, इसके लिए कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को आपको पढ़ना चाहिए, बहुत सारी बुक्स में आपको ये नियम देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से तद्भव शब्द पहचानिए। चलिए दोस्तों आंसर देख लेते हैं, तो जो आपका जौ है ये आपका तद्भव शब्द है, इसके अलावा जितने भी दिए हैं सब आपके तत्सम शब्द हैं। तो ये तत्सम और तद्भव क्या होता है, जो संस्कृत से हूबहू हिंदी में ले लिए गए हैं वो आपके तत्सम होते हैं, और जिनमें कुछ परिवर्तन करके हिंदी भाषा में लिया गया है वो आपके तद्भव होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यह आपका ही हो गया में किस प्रकार का सर्वनाम है। देखिए दोस्तों मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जिसको आपको बताना है, यहाँ पे पूछ रहा है यह आपका हो गया में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आंसर देखिए दोस्तों, आंसर क्या होता है, आंसर आपका होगा निजवाचक सर्वनाम। ये जो आपका ये आप आया हुआ है ये निजवाचक सर्वनाम के लिए आया हुआ है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी युक्ति से समर्थित की गई बात को में कौन सा अलंकार होता है, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, किसी युक्ति से समर्थित की गई बात इसमें कौन सा अलंकार होगा, ये आपको बताना है, किस अलंकार की ये परिभाषा है। चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए, आंसर आपका है काव्यलिंग अलंकार। सर दोस्तों सभी चीज पढ़ के जाइएगा, क्योंकि तो पता नहीं कहाँ से ये लोग अबकी बार क्वेश्चन पेपर आपको बना के दे रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीड़ा पाड़ी में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए, इसका क्या होगा, आंसर आपके लिए होगा व्यधिकरण बहुव्रीवी। देखिए दोस्तों यहाँ मैंने जितने भी आपके लिए ये बहुव्रीवी लिए हैं सब बहुव्रीवी के भेद ही आपसे लिए हैं। बहुव्रीवी समास दोस्तों होता क्या है कि इस समास में कोई भी शब्द आपका प्रधान नहीं होता है। जैसे देखिए यहाँ पे वीड़ा पाड़ी लिखा हुआ है, इसमें आपका जो है दोनों शब्द मिल करके, यानी ये दोनों शब्द मिल करके आपको एक अलग अर्थ ही देते हैं। तो वीड़ा पाड़ी तो आप समझ ही रहे होंगे कि किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी दिए हैं, जैसे देखिए दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ कि जो भी दिया है उसका जो है आपके लिए अर्थ क्या है, ये भी आप जान करके
चलिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्या है आपके लिए, व्यतिहार बहुव्रीहि। ये क्या होता है दोस्तों कि जिस समास में आपका घात प्रतिघात की बात होती है, यानी घात प्रतिघात वाले सूचक शब्द होते हैं, वहां आपका व्यतिहार बहुव्रीहि होता है। यदि आपसे बात की जाए कि व्याधिकरण बहुव्रीहि की बात की जाए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे असमान विभक्ति, जिसके बारे में देखिए आंसर है इसमें असमान विभक्ति। अगर आप इसको तोड़िए वीरा पाणी को, तो क्या निकलता है, वीरा है पाणी में, अर्थात क्या है, सरस्वती जी होता है ना, वीरा है पाणी में जिसके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको असमान विभक्ति वाले शब्द का जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये आपका क्या होगा, व्यधिकरण बहुव्रीहि हो गया। अगर आपसे तुल्य बोधक की बात की जाए, तो दोस्तों क्या होता है कि जिस समास में जो आप देखिए पहला पद होगा वो आपका सह होगा, यानी सह मतलब क्या, साथ। जैसे देखिए आपसे क्या बात किया जाएगा कि ऑप्शन दीजिए सपरिवार, तो सपरिवार क्या होगा दोस्तों कि परिवार के साथ में, तो ये स आ रहा है आपका, तो वहां पर आपका क्या होगा, तुल्य बोधक होगा। और अगर समानाधिकरण की बात की जाए, तो समानाधिकरण क्या होता है दोस्तों आपके लिए, देखिए दोस्तों समानाधिकरण क्या होता है कि जो समान विभक्ति वाले होते हैं उन वो आपस में जो समान समानता दिखाते हैं, वहां पे आपका समानाधिकरण होता है। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे से तो मैं यहाँ नहीं समझा पाया, लेकिन जितना था अभी तक मुझको ध्यान में आया वो मैंने सभी चीजें आपको यहाँ पे बता दी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो फटाफट सारा काम निपटा लो में, ये जो का फटाफट है ये किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है। चलिए दोस्तों आंसर देख लीजिए, जो फटाफट है ये आपका क्या है, ये आपका निरर्थक शब्द है। सार्थक होता तो इसका कोई एक अर्थ निकल के आता, लेकिन ये क्या है, निरर्थक शब्द है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे सारे रूप दिए हुए हैं, इस रूप में से आप बताइए कि कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन इनमें से किस में नहीं होता है। चलिए दोस्तों आंसर आपको यहाँ दिखा देते हैं, आंसर आपका होगा आज्ञार्थक रूप में ऐसा नहीं होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैंने जो है दे दिया है कि इसको आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने नहीं बताया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको करके बताना है कि ना आंखों देखा ना कानों सुना में कौन सा कारक होगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये क्विज आपको पसंद आई होगी और आप इसको लाइक जरूर करेंगे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्विज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।